आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिड़ाकों में बारिश के दौरान कच्ची दीवार गिरने से अधेड़ की मौत के बाद कांग्रेसियों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर प्रशासनिक अधिकारियों से आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। मिड़ाकुर की आदिवासी बस्ती में बारिश के दौरान कच्ची दीवार ढह गई, जिससे अधेड़ की जान चली गई। गृहस्वामी पप्पू की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हादसे के बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष उपेन्द्र सिंह पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मिड़ाकुर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। कांग्रेस नेता ने पप्पू की पत्नी का दुखड़ा सुन प्रशासनिक अधिकारियों से दैवीय आपदा कोष से आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। मिड़ाकुर जिला रेलवे स्टेशन और थाना मलपुरा है हमारा, और तहसील सदर है। वो भैया सो रहे थे रात को, इधर नीचे रात को दीवार गिर गई ऊपर उनके, और क्या बोलते हैं आदिवासी लोग हैं हम, हमें क्या बोलते मदद चाहिए आप लोगों की। हमारा वो खत्म हो गया, इसी दीवार से ही खत्म हुए। अब तक कोई 12 साल की बच्ची है और 14 साल का बच्चा है। इस बिचारी को इतना होना चाहिए सरकार की तरफ से कि ये अपनी जिंदगी आप संभाल सके। दीवार गिरने से पप्पू की मौत के बाद पत्नी को अपना और बेटा बेटी के भरण पोषण की चिंता सताने लगी है। कांग्रेस नेताओं ने पप्पू की पत्नी को आश्वासन दिया है कि आर्थिक सहायता के साथ साथ 12 साल की बेटी और 8 साल के बेटे की पढ़ाई भी निःशुल्क कराने की मांग प्रशासनिक अधिकारियों से की जाएगी। ये देख रहे हैं कि मिड़ाकुर में रेलवे स्टेशन के पास में आदिवासियों की बस्ती है और यहाँ पे एक दो दिन पहले जो बरसात में कच्चा मकान था उसकी दीवार गिरी है, और यहाँ पे देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, एक बच्ची मुश्किल से 13-14 साल की होगी और एक छोटा बच्चा है, और 45 साल के वो थे जिनकी डेथ हुई है। यहाँ पे बहुत ही गरीब लोग हैं। कल कमिश्नर साहब से मैं मुलाकात करके और पीड़ित परिवारों के लिए राहत दिलाने के लिए मैंने इनसे कहा है, और इनकी हालत को देख करके प्रशासन से अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनकी मदद करें। आदिवासी बस्ती में रहने वाला पप्पू रात को रोजाना की तरह परिवार के साथ घर पर सो रहा था। सोते समय कच्ची दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे पप्पू मलबे में दब गया। तेज धमाके और चीख पुकार की आवाज सुन आसपास के लोग पहुंचे। मलबे में दबे हुए पप्पू को निकाल कर लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन चिकित्सक बचा नहीं सके। उमेश शर्मा, सी न्यूज आगरा।